Hey guys, welcome back again in College Gyan 24 Partners of Edugrown. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 10 लेटरल एंट्री गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया. ठीक है, तो अगर आपको लेटरल एंट्री के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर आप डिप्लोमा कर रखे हो आफ्टर क्लास 10th या 12th के बाद, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फील्ड्स में, ठीक है, उसके बाद आप बीटेक करना चाहते हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आपको वापस से शुरू से नहीं करना होगा. 4 साल का कोर्स फर्स्ट ईयर से नहीं ज्वाइन करना होगा. डिप्लोमा के बाद अगर आप करते हो तो डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री आपको मिलती है और 3 साल में आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर पाते हो अपना. ठीक है, तो लेटरल एंट्री स्टेट वाइज में, अलग अलग कॉलेज वाइज में ये लेटरल एंट्री एग्जाम होता है, जिसे लीट एग्जाम भी कहते हैं. लीट एग्जाम पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया है ना, आपको उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. तो लीट एग्जाम क्या होता है आप एक बार जरूर चेक कर लेना. हमारा जो मेन चैनल एडुग्रोन है उस पर अपलोडेड है लीट एग्जाम को लेकर पूरी डिटेल. ठीक है, तो टॉप 10 जो इंडिया के लेटरल एंट्री गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस, नंबर 1 पे हमने DTU जो है, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, DTU न्यू दिल्ली, इसको हमने रखा है. यहाँ पे सीटें तो वैसे लीट लेटरल एंट्री का जो सीट होता है, खासकर हम कुछ डिपार्टमेंट्स की बात करें लाइक मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, बहुत कम सीट यहाँ पे अवेलेबल होता है. बट हाँ, यहाँ भी इसको लेटरल एंट्री के फील्ड में ना सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है. ठीक है, तो आप देख सकते हो दिल्ली टेक्नोलॉजी रैंक सेकेंड एंड 36 अमंग बेस्ट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है ये. ओके, कोर्सेज की बात करें तो आप यहाँ पे बीटेक लेटरल की बात करें तो आप यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में, मैकेनिकल में, पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया. ठीक है, फिर फिजिक्स इंजीनियरिंग, फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया. ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक एंड कंप्यूटिंग, इस सब में आप लेटरल बीटेक कर सकते हो. फीस की बात करें इस कॉलेज में, बीटेक की जो फीस है 1.9 लाख फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी. और जो यहाँ एडमिशन लेने की जो एलिजिबिलिटी है वो डिप्लोमा के बाद DTU अपना खुद का लीट एग्जाम कराती है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट लेटरल एंट्री. ठीक है, आप देख सकते हो. उसके बाद बाकी बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस का, तो देख सकते हैं आप कि दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है इसका खुद का, DTU लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट. ठीक है, जो भी कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन होने चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. जनरल कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 45% एग्रीगेट मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम में, मिनिमम 45% से ऊपर जाना चाहिए. ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई इसके लिए. इस कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया जो कैंडिडेट हैं 25 अप्लाई कर सकते हैं, 25% सीट फॉर आउटसाइडर है. ठीक है, आगे हम बात करते हैं. सेकंड नंबर पे है जादवपुर यूनिवर्सिटी, JU कोलकाता, ये आता है. इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं. तो यहाँ पे आपको बीटेक की बात करें तो यहाँ पे भी काफी सारे आपको बीटेक के लिए ब्रांचेस मिल जाएंगे. लाइक आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आप सिविल से कर सकते हो आप. ठीक है, केमिकल है, कंप्यूटर साइंस है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है, आप पूरे स्क्रीन पे देख सकते हो है ना. तो इसके थ्रू आप यहाँ पे कर पाओगे. ये भी जो वेस्ट बंगाल लीट एग्जाम जो होता है उसके थ्रू ये एडमिशन होता है फीस. ठीक है, यहाँ पे तो आगे बात करते हैं. यहाँ पे 2400 रुपये फर्स्ट ईयर की फीस बहुत कम है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो भाई जाहिर सी बात है ना, बहुत ही ज़्यादा कम फीस है यहाँ पे बीटेक वालों के लिए. एडमिशन प्रोसेस वगैरह की बात करें तो वेस्ट बंगाल JEE जो है के एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा. ठीक है, आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड WBJEE के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है. ठीक है, या फिर ज्वाइंट एंट्रेंस लेटरल एंट्री टेस्ट, इसके थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे. क्लियर है, आफ्टर डिप्लोमा के बाद आपको ये एग्जाम दोगे तभी आप यहाँ पे डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में आपको एंट्री मिलेगी. ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं. आगे है हारकोट बटलर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी HBTU कानपुर का जो है, ये तीसरे नंबर पे मैंने इसको रखा है. काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है लेटरल एंट्री के केस में. यहाँ भी आपको काफ़ी सारे बीटेक के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे. आप स्क्रीन पे देख सकते हो, केमिकल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हो बीटेक के लिए, यहाँ पे आप एडमिशन ले पाओगे. फीस और एलिजिबिलिटी की बात करें बीटेक की, यहाँ पे 1.35 लाख फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी आपकी. और एडमिशन की बात करें
तो यहाँ पे ओनली फॉर यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए वाले ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑल ओवर इंडिया से इस कॉलेज के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप यूपी के हो तो ही आप इस कॉलेज में लेटरल एंट्री ले पाओगे, ठीक है। आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना जरूरी है, HBTU लीट एग्जाम के थ्रू या UPSEE एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे लेटरल एंट्री एडमिशन ले सकते हो आफ्टर डिप्लोमा, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग COEP पुणे की बात करते हैं। यहाँ भी बीटेक में आपको लेटरल में काफी सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे, देख सकते हो आप स्क्रीन पे, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यहाँ 40,000 के आसपास फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी आपकी। और एडमिशन की बात करें तो महाराष्ट्र डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एग्जाम जो होता है इसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन लोगे। कैंडिडेट डूइंग देयर डिप्लोमा फ्रॉम महाराष्ट्र बट इफ दे आर फ्रॉम अदर स्टेट दे कैन ऑल्सो अप्लाई। तो आप अगर आपने महाराष्ट्र से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है बट आप दूसरे स्टेट के हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बिहार के बच्चे हो, आपने जाके महाराष्ट्र से अपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। भले आप अदर स्टेट से हो तो भी कोई मैटर नहीं करता है, महाराष्ट्र डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग एग्जाम इस एग्जाम के थ्रू, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, ठीक है, ये है। यहाँ पे भी आपको लेटरल एंट्री के लिए बहुत ज्यादा ब्रांचेस तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, सिविल, है ना, हो गया मैकेनिकल हो गया, ये सब कुछ ब्रांचेस हैं यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी हर साल नया अपडेट आता रहता है, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर चेकआउट करते हैं। बीटेक में 83,000 के आसपास फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी आपकी। एडमिशन की बात करें तो हरियाणा लीट एग्जाम के थ्रू यहाँ पे होता है, और इस कॉलेज में सिर्फ हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया से आप इसके लिए लेटरल एंट्री में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। आगे हम लोग बात करते हैं 6 नंबर पे कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CU SET कोची जो कॉलेज है। यहाँ भी लेटरल एंट्री में काफ़ी कम सीट रहता है, बट ब्रांचेस भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। फीस की बात करें तो इस कॉलेज में बीटेक के लिए 46,000 के आसपास फर्स्ट ईयर की फीस आपको देनी पड़ सकती है। एडमिशन ओनली केरला के कैंडिडेट है वही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, और केरला LET एग्जाम जो होता है, LEET केरला लेटरल एंट्री एग्जाम जो होता है, इसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। चलिए 7th नंबर पे हैं बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT सिंदरी धनबाद, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बीटेक के लिए आपको काफी सारे अच्छे अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फीस एलिजिबिलिटी की बात करें तो 20,000 के आसपास आपकी फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी। एडमिशन की बात करें तो झारखंड डिप्लोमा टू डिग्री एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम JCEC लीट एग्जाम LE एग्जाम जो इसके थ्रू, इस एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए भी झारखंड के जो डोमिसाइल कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। 8th नंबर पे बात करते हैं तो इंडिया के 8th नंबर पे जो टॉप लेटरल एंट्री कॉलेज है उसमें आता है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद गुजरात की बात करते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो BE में काफी सारे ब्रांचेस आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे, काफी सारे स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और मेरिट बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा आपने जो भी लीट इसका जो एग्जाम है उसके थ्रू। यहाँ पे फीस आपकी बड़ी कम रहती है, यहाँ पे 2,860 रुपये एक साल की फीस है आपकी, मजा ही आ गया सुन के। गुजरात डिप्लोमा टू डिग्री इंजीनियरिंग एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन होता है, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट 5-10% सीट ही रहता है बाहर वालों के लिए, बाकी गुजरात वालों के लिए बहुत ज्यादा सीट रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 9th नंबर पे हमारा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज आता है, JEC जबलपुर मध्य प्रदेश का ये कॉलेज है। यहाँ पे लेटर एंट्री के लिए काफी सारे आपको अच्छे अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फीस एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे 22,300 रुपये एक साल की फीस रहेगी। एडमिशन की बात करें तो मध्य प्रदेश बीटेक लेटरल एंट्री एडमिशन जो है ये डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता आपको, ठीक है। MP में लेटरल एंट्री अगर आपको चाहिए मध्य प्रदेश में तो कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अपना डिप्लोमा में जो भी आपका परसेंटेज है उसको लेकर जब भी लेटरल एंट्री फॉर्म स्टार्ट होता है आप सीधे किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट आप बात करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका मेरिट बनता है लाइक जबलपुर की बात करें तो आप यहाँ अप्लाई करोगे तो जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे फर्स्ट राउंड में जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें अगर आप कट ऑफ के अंदर आते हो तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। ऑल ओवर इंडिया से इस कॉलेज में आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। 10वें नंबर पे असम इंजीनियरिंग कॉलेज है AEC गुवाहाटी, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ भी काफी BE BTEC के लिए काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब आपको BE में मिल जाएंगे। फीस की बात करें तो 11,000 के आसपास लेटरल वालों का फीस रहता है पर ईयर, और यहाँ पे आसाम ज्वाइंट एंट्रेंस जो एग्जाम है इसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे,
ठीक है, असम JEE एग्जाम जो इसके थ्रू ओनली असम डोमिसाइल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था यार गाइस टॉप 10 लेटरल एंट्री गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।